नागालैंड की राज्य सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें स्थानीय चावल की प्रजातियों के उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य है, जिससे इन प्रजातियों की जैव विशेषताओं को बचाया जा सके और साथ ही खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सके। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये परियोजना एक रणनीति के रूप में लागू की जा रही है। 24 करोड़ की इस परियोजना को नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज ने पैसा मुहैया कराया है। नागालैंड के 5 जिलों ट्वेंसांग, वोखा, ज्वेनोबोटो, मोकोकचुंग और कोहिमा के गांव में ये अगले 3 साल के दौरान लागू किया जाएगा। बढ़ता तापमान, अनिश्चित बारिश और समय समय पर सूखा पड़ने से नागालैंड के खाद्य उत्पादन पर असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए सरकार अब परंपरागत फसलों की तरफ वापस जा रही है, जो कम पानी और ज्यादा तापमान झेल सकती हैं। चावल और बाजरे की कई प्रजातियां जो कई सालों से अच्छी फसल दे रही थीं, उनको अब पुनर्जीवित किया जा रहा है। हालांकि किसान अब ये प्रजातियां खेतों में नहीं उगाते, पर आज भी उनके पास इससे जुड़ी परंपरागत जानकारी का खजाना है। अब इन प्रजातियों को किसानों के बीच बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। राज्य में चावल की जैविक विविधता काफी अच्छी है। SARS यानी स्टेट एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन ने 867 परंपरागत स्थानीय प्रजातियों की पहचान की है। इन प्रजातियों में ग्लूटेन की मात्रा ज्यादा होती है। ये भूरे और खुशबूदार होते हैं और ज्यादातर इनकी खेती झूम या शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिस्टम के अंदर नागा आदिवासी करते हैं। ज्यादातर चावल की प्रजातियों पर ज्यादा तापमान का असर पड़ता है, पर पहाड़ों के ऊपरी इलाकों में बारिश से फलने वाली प्रजातियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। फसल छोटी होती है और उपज कम। तापमान से नई बीमारियां और कीट भी पैदा होते हैं। इससे निपटने के लिए परंपरागत प्रजातियों को वापस लाना जरूरी है। इस परियोजना के तहत फील्ड जीन बैंक्स बनाए जाएंगे ताकि इन प्रजातियों का संरक्षण और इन पर रिसर्च की जा सके। साथ ही सीढ़ीदार और झूम खेती करने वाले समुदायों की मदद से सीड एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा और चुनिंदा बीज की प्रजातियां पूरे राज्य के किसानों में बांटी जाएंगी। चावल नागालैंड का मुख्य आहार है और 86% उपजाऊ जमीन पर धान की खेती की जाती है। ये प्रजातियां 300 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक उगती हैं। अब किसान धान छोड़कर अन्य नकदी फसलें उगा रहे हैं, जिससे दलहन और धान के उत्पादन पर असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से पिछले 100 साल में औसतन सालाना तापमान 1.4 डिग्री से बढ़कर 1.6 डिग्री हो गया है। 2050 तक ये 1.6 डिग्री से 1.8 डिग्री तक बढ़ने की संभावना है। SARS के जॉइंट डायरेक्टर डॉ. डी. के. छेत्री ने एक रिपोर्ट में कहा कि नागालैंड जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए समुदायों की मदद लेते हुए एक ऐसी योजना तैयार करनी पड़ेगी जिसका नेतृत्व समुदाय खुद करें और जिसकी जड़ें परंपरागत संस्थाओं में हों। साधिका तिवारी, गो न्यूज़।